हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। और आप सभी लोग कैसे हैं, अपनी तैयारी कैसी कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को प्लीज़ बताइए। और आपको अच्छा लग रहा है ना, चीज़ें सीक्वेंस में हो रही हैं तो मज़ा आ रही होगी, मुझे पता है। आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी से जल्दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके लिए स्टार्ट हो जाए और वो लाइव क्लासेस होंगी जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। तो आपको करना क्या है, कैसे क्या रहना है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या क्या करना है, ये सभी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको वन बाय वन करके। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशानी में आप कुछ नहीं कर सकते। एक साथ कई जगहों पर चलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक करके अपने कदम को बढ़ाते जाना होगा अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। ठीक है ना, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, और लगभग लगभग इसमें से जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, वो सभी कुछ इसमें खत्म हो जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक ज़रूर करें, जो भी आपको अच्छा लगे वो ज़रूर करें। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले कुछ इमेजेस देखिए आप। एक ये इमेज देखिए, ठीक है, एक ये वाली भी देख लीजिए और एक ये वाली भी देखिए। तीनों इमेज देखने के बाद में आपको क्या समझ में आया, कहेंगे सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं। तो सर्कुलर मोशन, अभी तक आपने वन डायरेक्शनल मोशन, टू डी मोशन पढ़ लिया है। टू डी मोशन में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर। अब सर्कुलर मोशन ऐसा क्या है सर्कुलर मोशन में, कि सर्कुलर मोशन इसका नाम दे दिया गया। तो आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में सर्कुलर मोशन को सर्कुलर मोशन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने दिमाग की घंटी को जलाइए और सोचिए कि अगर एक पार्टिकल है आपके पास में, आप अपने आसपास जाइए और देखिए कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। मीन्स जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप रोड पर क्या देखते हैं, ठीक है, आप कार देखते होंगे, बाइक देखते होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते होंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होती है। अपने घर का फैन देखते हैं, ठीक है ना, रोड्स देखते हैं, बाइक कार तो मैंने बता दिया, और बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स देखते हैं जिनका कुछ ना कुछ सर्कुलर मोशन से रिलेशन होता है। जैसे अगर आप अपनी बाइक का या दूसरे की बाइक का व्हील देखेंगे तो वो भी सर्कुलर मीन्स गोल होते हैं, गोल, गोलम गोल, है ना। अब कहेंगे सर गोलम गोल से होने से सर्कुलर मोशन का क्या रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। इसमें रिलेशन ऐसा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एक निश्चित दूरी पर, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, लगातार लगातार एक रेडियस पर, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक एक निश्चित दूरी, ये दूरी हो गई, और इस वाले पार्टिकल के चारों तरफ घूमता है, मीन्स एक्सिल की तरह, उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल किसी निश्चित रेडियस के चारों ओर, उस बिंदु के चारों ओर लगातार गति करें, तो ऐसी गति को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, ऐसे मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये मोशन दो टाइप का होता है, मीन्स टू डी होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन फिर से एक बार समझिए, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट लोकेटेड है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, मीन्स एक्सिस है, और इस एक्सिस से इस वाले रेडियस पर, ये रेडियस है, ऐसे ऐसे करके ये पार्टिकल लगातार घूम रहा है। तो क्या ये डिस्टेंस चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, यहीं पर पार्टिकल रुका हुआ है और बस वो इस डिस्टेंस पर ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस डिस्टेंस पे ही ट्रेवल कर रहा है। इस डिस्टेंस पे ट्रेवल करने के लिए इस पर एक वेलोसिटी काम कर रही है, वो वेलोसिटी कौन सी, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। इसको घुमाने के लिए एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वो क्या है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसी में, और इसको घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये भी पढ़ेंगे हम इसी में। तो आपको परेशान नहीं होना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो हम लोग इसको समझते हैं। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि एक कांस्टेंट रेडियस, ठीक है, यानी कि रेडियस को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, एक कांस्टेंट रेडियस किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, इससे एक डिस्टेंस ली हमने, पहले से गोल कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को यहाँ मान लीजिए और देखिए इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ पर ये ए था, फिर यहाँ पर आया ये बी, यहाँ पर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये सब लिखना है। तो हमने मान लिया कि इस वाले पॉइंट, इस ओ वाले पॉइंट से ए की डिस्टेंस, ए की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है भाई साहब, ठीक है। तो हमने क्या क्या, यहाँ पर इस बी वाले पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस 11 हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, 11 नहीं हो पाएगी, 10 ही रहेगी। तो जितने भी पॉइंट आप यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए, सभी की डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट ओ से कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। और अगर ऐसा कोई पाथ बन रहा है, अगर ऐसा कोई पाथ बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल, मीन्स ए वाला पार्टिकल जो बी पोजीशन पर पहुंचा है, वो पार्टिकल क्या कर रहा होगा? वो कर रहा होगा सर्कुलर मोशन मेरी जान, ठीक है ना? क्लियर हुआ कुछ? तो आपको ये याद रखना है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी कैसे पहुंचेगा? लगातार घूम रहा है। अब कहेंगे सर ऐसे घूम कैसे रहा है? तो आप अब अपने घर से बाहर जाइए और देखिए एक साइकिल का पहिया, वो घूम रहा है। तो साइकिल का रिम मान लीजिए यहाँ पर था, और फिर इसके नीचे वाले पॉइंट को देखिए, वो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है। तो क्या रिम के नीचे लगा हुआ जो मड है, क्या वो इस जगह से यहाँ स्लिप हो जाता है? नहीं, वो यहीं पे लगा रहता है लगातार 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 लगातार, ठीक है ना? दूसरा, जब आप देखते होंगे उसमें हवा भरने के लिए चिंटुअम होता है, चिंटुअम वॉल्व होते हैं, वॉल्व, ठीक है। क्या वो वॉल्व यहाँ से खिसक के कहीं और चले जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी पार्टिकल अपने पाथ को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे सर? तो डिफिनेशन लिखने के लिए क्या ज़रूरत है, समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे, अगर कोई पार्टिकल किसी एक पॉइंट की रिस्पेक्ट में, किसी एक पॉइंट की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार घूम रहा है, वर्ड्स को समझिए, किसी एक पॉइंट की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रेडियस पर लगातार कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन में है वो पार्टिकल, ठीक है ना? अच्छा, एक इस एग्जांपल को ऐसे भी कह सकते, एक आप धागा लीजिए, धागे में एक पत्थर को लटकाइए और उसे घुमाइए ऐसे ऐसे करके, तो आप क्या देखेंगे? पत्थर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा उस सेंटर के थ्रू, ठीक है। जब वो लगातार ऐसे ऐसे घूमता रहेगा तो क्या होगा उसमें सर? तो उसमें कुछ नहीं होगा, सर्कुलर मोशन करेगा वो, ठीक है ना? इसी सर्कुलर मोशन के बारे में हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें समझनी है कि सर अगर वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो क्या हो गया, अगर वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो क्या हो गया, इसमें कैसे क्या डिस्टेंस होगी, कैसे क्या एंगल बनेगा, कैसे क्या एक्सेलरेशन होगा, कैसे क्या कुछ, सब कुछ A to Z हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन है कर रहा है, ठीक है, उसका सेंटर ये है, उसकी रेडियस ये R है, उसकी रेडियस ये R है, और किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर वो A पोजीशन पर था और उसका सेंटर O है, कुछ टाइम बीता हमने देखा कि वो इस वाले पॉइंट B पर पहुंच गया, ठीक है, ए से बी पहुंच गया, फिर देखा हमने बी से वो सी पर पहुंच गया, समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए ये रेडियस है, हमने इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि सब जगह पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये बता दीजिए पहले हमको, फिर बताइए कि अलग अलग जगह पर रेडियस कितनी होगी, और कोई भी जो भी इसमें चीज़ें आने वाली हैं, जो जो हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, सब इसी के अंदर समझ लेंगे, ठीक है ना? तो हमने माना पहले वो पॉइंट ए पर था, फिर बी पर पहुंचा, फिर सी पर पहुंचा, फिर डी पर पहुंचा, ठीक है। तो कहेंगे सर हमें ये बता दीजिए कि ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, पहला क्वेश्चन।
फिर कहेंगे सर ए से बी तक जब वो पार्टिकल पहुंच गया तो उसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया ये भी बता दीजिए। सर बिल्कुल बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर इसमें ये बनेगा कि सर इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी और इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी, ये भी बता दीजिए साथ में। ठीक है ओके, ये भी बता देंगे। फिर इसमें कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, कितना रिटार्डेशन हो रहा है, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल ये भी बताया जाएगा भैया, जब सब बता रहे तो ये भी बता देंगे आपको। और कितना एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये सब कुछ बताना है आपको। क्लियर हुआ कुछ? तो हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है यहाँ से कि कोई पार्टिकल ए लोकेशन पर था सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है? चलिए ओके, ये हो गया। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसने इस सेंटर पर एंगल ड्राइव किया है थीटा, एंगल ड्राइव किया है थीटा। क्लियर इतना? ओके, अब ये इतनी रेडियस है तो भाई साहब ये भी इसकी रेडियस होगी, ओ बी भी रेडियस होगी और ओ ए भी रेडियस होगी। तो कहेंगे सर ए से बी क्या है? तो ए से बी बच्चा है आर्क, इसे कहते हैं हिंदी में चाप। ठीक है, तो चाप, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। ठीक है ना, ये क्लास 6 7 में होगा, आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपने पढ़ा होगा। तो हमने ले लिया इसकी डिस्टेंस, ले ली एस। ठीक है ना, एक एक जो इसमें प्रेजेंटेशन है इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एंगल कितना है थीटा, आर कितनी है एस, रेडियस कितनी है आर। इतना क्लियर हुआ? अब हमने कहा सर हमको मज़ा नहीं आ रहा है, तो हमने कहा ठीक है भाई मजा दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो कहा सर इसमें बहुत बड़ा एंगल आपने ले लिया, चुन्नू सा एंगल लीजिए, चुन्नू सा एंगल। तो हमने कहा ठीक चुन्नू सा एंगल ले लेते हैं। तो चुन्नू से एंगल के लिए हमने एंगल ले लिया यहाँ पर, मान लो ये एंगल ये डी थीटा। ठीक है, एंगल कौन सा लिया? डी थीटा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो डिस्टेंस कौन सी होगी? डीएस हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस जो हमने इस पर ट्रेवल करी है, ठीक है सरकमफ्रेंस पे, वो कैसी है? वो कैसी है? लीनियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर। इतना क्लियर हुआ? अब कहेंगे सर इसमें डीएस क्या है ना, तो इसमें डीएस क्या है? तो भाई साहब डीएस इसमें बहुत ही छोटा सा एंगल है, और ये क्या है? इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे कहते हैं, इसका नाम रखा गया किसका? थीटा का। और जो डी थीटा है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट सेंटर ओ इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं किसी एक इनिशियल पॉइंट से दूसरे फाइनल पॉइंट पर, किसी एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुंचने के लिए, पहुंचने के बाद दोनों पॉइंट सेंटर पर जो एंगल क्रिएट करते हैं, उस क्रिएट किए हुए एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब कहेंगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, कैसके पास डायरेक्शन है बताइए। कहेंगे सर बिल्कुल है, कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव बताइए। अब देखिए जब अगर ये इधर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो थीटा कितना होगा? 0 करके, फिर 90, फिर 100, फिर 120, फिर चोर निकल के भाग जाएगा। तो ये कैसी क्वांटिटी है? मीन्स प्लस में, अगर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी? एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। ओके अच्छा कहा सर, ठीक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो मैं समझ में आ गया। ओके ओके ओके, कहेंगे सर ये क्वांटिटी भी वेक्टर है, तो फिर इसकी डायमेंशन क्या होगी? बिल्कुल डायमेंशन तो कुछ होनी चाहिए। अब कहेंगे सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एस है, यहाँ पर आर है, एस की डायमेंशन एल होती है, आर की भी एल होती है, दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी, तो इसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो बिल्कुल डायमेंशन इसकी कितनी होती है? 0 होती है। 0 मतलब M0, L0, T0, पर इसका यूनिट होता है भाई साहब। आप कहेंगे यूनिट कौन सा होता है? तो यूनिट होता है कितना? रेडियन।
रेडियन, ठीक है ना, इसका यूनिट होता है रेडियन, रेडियन इसका यूनिट होता है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, अब कहेंगे कि ए से बी तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए इसके पास कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, उस वेलोसिटी का नाम हमने रख दिया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो इस ए वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट तक जाने के लिए कुछ वेलोसिटी कवर करी गई, वो वेलोसिटी कौन सी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डीवी बाई डी टी होती है, डीएस बाई डी टी होती है सॉरी। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा कैसे आएगा, तो पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा सेंटर पर चुन्नू सा कोण बनेगा, उस चुन्नू से कोण को क्या कह देंगे, हम कह देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बोलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये समझ में आया, समझ में आने के लिए समझो फिर से एक बार, पर यूनिट टाइम पर सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के सेंटर पर जो छोटा सा चुन्नू सा कोण बनता है उस कोण को ही क्या कहते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं भाई साहब, ठीक है। तो आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो हमने कहा कि सर इसका बताइए ये कैसी क्वांटिटी है, तो पहली तो बात ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, दूसरी बात ये कि यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी क्या, रेडियन पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है। आप कहेंगे सर डायमेंशन बता दीजिए, तो बिल्कुल डायमेंशन बता देंगे, डायमेंशन होती है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, कैसे निकाल रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो बिल्कुल देखिए एंगल, एंगल काहे में नापते हैं आप, एंगल काहे में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं, समय काहे में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, रख दिया दोनों का काम खत्म हो गया। अब एंगल की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो इसको हमने कर दिया जीरो, इसको भी कर दिया जीरो, ओनली बचा क्या टी, तो वन बाई टी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा टी माइनस वन, काम खत्म, ठीक है ना। अब कहेंगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, ससुरा ये समझ में नहीं आया है ना, तो ससुरा समझने की बात ही नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है। अब सपोज करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कैसे काम कर रही है, अगर हमारे पास ये एक सेंटर है, एक्सेस है, ठीक है, इस एक्सेस के चारों तरफ ये एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर है भी, ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्या होने वाला है, और एंटी क्लॉक चलेगा तो क्या होगा, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक दोनों चलेगा तो क्या होगा। देखिए ये वाला सेंटर है ओ, ये वाला भी सेंटर है ओ, ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ए सी डब्ल्यू, और ये क्या है क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू, ठीक है। पहले हम लोग के ज़माने में, हम लोग का ज़माना बहुत पुराना हो गया ना, अब हम लोग के ज़माने में क्या मिलता था, सी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू, ठीक है, अब क्या मिलता है, ऑनलाइन पीडीएफ भेज देना बेटा, इसको भर के हमको भेज देना नकल करके, तो ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज, ठीक है ना। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो और क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, तो याद रखना है आपको। अब देखिए ये वाला पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम अपना क्या यूज करेंगे, तमाचा यूज करेंगे, थप्पड़, थप्पड़ का नियम, थप्पड़ का नियम क्या कहता है, जब इसको ऐसे मारते हैं तो अंगूठा ऊपर रह जाता है, अंगूठे का निशान नहीं आता है, तो ये हमने देखिए ऐसे घुमाया तो ये जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ओ सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बाहर की तरफ होगी, यहां पर लगाएंगे पॉइंट, ठीक
ठीक है, तीर निकलता हुआ दिखाई देगा ना, तो पॉइंट दिखेगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तीर निकलता हुआ दिखाई देना चिन्ह से, और यहां पर देखो ये नीचे जा रहा है ऐसे करके, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो यहां हम लगा देंगे क्रॉस, यहां लगा देंगे क्रॉस। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर काम करती है, तो अलोंग द एक्सिस काम करती है, वो इनसाइड हो सकती है, वो आउटसाइड हो सकती है, बस ये हमें देखना है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या ACW है, एंटी क्लॉकवाइज है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है बस। ओके, अब ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। आप कहेंगे सर एंगुलर वेलोसिटी तो समझ में हमको आ गया है, बट ये बताइए कि इसके आगे क्या होगा। बिल्कुल इसके आगे हम बदलेंगे पेन, क्योंकि यहाँ पर बहुत काला काला सा हो गया है, ठीक है ना। ओके, अच्छा एक और खेल खेल लेते हैं थोड़ा सा। अगर हमने मान लिया कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमने कहा बिल्कुल कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। अब हमने कहा मैंने तो बहुत अच्छा गोला बना दिया ना, है ना। अब अगर इस वाले पॉइंट से, इस ए वाले पॉइंट से घूम के पार्टिकल यहीं पहुंच जाता है, तो उसके द्वारा, किसके द्वारा, ए के द्वारा, ए कौन है, पार्टिकल, पार्टिकल कर क्या रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके द्वारा टोटल एंगल कितना बनाया गया है बताइए, 360 बनाया गया। कितना चक्कर लगाया गया, एक कंप्लीट, मतलब एक कंप्लीट साइकिल हो गया। एक कंप्लीट साइकिल होने के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 2 पाई हो जाएगी पहले तो। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई, बताइए 360 का मान कितना होता है, ठीक है 2 पाई होता है। ओके, फिर ये हो गया ओमेगा बाई टी, तो 2 पाई बाई टी हो गया। टी क्या है, टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है 2 पाई हो गया। अब हमें पता है कि अगर ये 10 चक्कर लगा दे, मान लो चक्कर क्या होते हैं साइकिल्स, 10 राउंड लगा दे, तो यहां पर ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई इन न्यू, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 पाई n हो जाएगा, 1 बाई न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, ये याद रखिएगा आप। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको भी आना चाहिए। ओके, इतना हो गया। आप कहेंगे सर इसमें और क्या चेंजेस हैं, तो एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा चुन्नू सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, मज़ेदार, जिसको देख के आपका दिल कहेगा सर मज़ा आ गयो। तो ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब ये क्या है, ये है चिंटू की धुन, ये एक डंडे में, ठीक है एक रॉड ली हमने, उस रॉड में 3 गेंद लगा दी, अन्ना दन्ना तन्ना, अन्ना दन्ना तन्ना लगा दिया हमने, तो हमने लगा दिया यहाँ पर ए, यहाँ लगा दिया बी, यहाँ लगा दिया सी, ठीक है ये 3 बॉल्स हैं मान लो, ठीक है बॉल्स लगा दी हमने। सबसे पहले कौन अपनी लोकेशन पर पहुँचेगा बता दीजिए, या सभी एक साथ पहुँचेंगे, सभी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अच्छा इसमें कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज हो सकती है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि इसमें कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज हो सकती है, तो कहेगा 3 ऑप्शंस होंगे। चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, आप भी क्या याद करोगी, सर ने कहा बेटा लो ऑप्शन भी ले लो और बताओ क्या हो सकता है इसमें। ऑप्शन ए है, इसमें कौन सी क्वांटिटी चेंज रहेगी, ठीक कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, पहले लिखेंगे वेलोसिटी, दूसरी लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, दूसरी क्या लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, तीसरी क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरा लिखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ठीक है, चौथा क्या लिखेंगे बताओ, टाइम पीरियड। अब बताओ बेटा आप फंसे चक्कर में सभी लोग, आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी। तो मेरी बात फिर समझिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर ए वाला पार्टिकल घूम करके यही ए पोजीशन पर वापस आएगा, ए पोजीशन पर वापस आएगा, और उसी टाइम पर सी वाला यहाँ से घूम के यहाँ पर वापस आएगा, क्या ए और सी और बी तीनों जब एक साथ घूम करके वापस आएंगे, तो अगर इस वाले पार्टिकल को 2 सेकंड लगेंगे, तो क्या इसको 4 सेकंड लगेगा, नहीं ना, तो सभी को इक्वल टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड तो क्या है, नॉट चेंजेबल है, तो इसको लगाएंगे नॉट चेंज, तो ये तो हमारा हो गया ऑप्शन गलत।
फिर कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, तो सोचो अगर ए वाला पार्टिकल एक राउंड लगाएगा तो बी वाला भी तो एक ही लगा रहा ना, सी वाला भी उतना ही लगाएगा, तो सारे पार्टिकल तो सेम राउंड लगाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी वाला भी ऑप्शन हो गया आपका गलत, मतलब ये सेम रहेगा, ठीक है ना, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी पे भाई साहब आ जाइए, अब एंगुलर वेलोसिटी दे दीजिए। अब कहेंगे सर ये एक नई क्वांटिटी, इसे समझ में नहीं आया हमें, तो कैसे, कहने का मतलब है अगर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये यहाँ पर मान लो इस वाले पोजीशन से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इस टाइम पे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, क्या तीनों के एंगल में कोई चेंजेस दिख रहा है आपको? मान लीजिए इस ए और बी और सी इस लोकेशन को अगर हम 30 कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या बी वाले से 30 एंगल नहीं बनाएगा ये? बिल्कुल बनाएगा, और सी वाले से भी 30 बनाएगा, मींस एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाली है। फिर बचा क्या ऑप्शन? सी बचा है, ऑप्शन ए। इस ए ऑप्शन में वेलोसिटी दी हुई है, अब ये वेलोसिटी कौन सी है? तो ये है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो एंगुलर नहीं सॉरी ये लीनियर वेलोसिटी है। अच्छा अब कहेंगे सर लीनियर वेलोसिटी को समझ में नहीं आ रहा मामला, तो अभी समझ में आ जाता है, मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मज़ा लेते हैं और अपनी चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये मज़ेदार और मस्त दोनों क्वेश्चन से एक साथ है, इस क्वेश्चन को लगा डाला तो लाइफ जींगा लाला, समझे? जैसे वो गाना नहीं बजता है, टिप टिप बरसा पानी और बानी में आग लगा दी, वही वाला है ये। ओ मैंने ये क्या साफ कर दिया, इसको भी साफ कर देता हूँ ना एक साथ में, इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस ऑप्शन लिख रहने देता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत है हम लोगों को, और वो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वहाँ से अभी हम लोग को क्वेश्चन उठाना है, क्वेश्चन बताना है बउआ को अपने छोटे से मुन्नू से बेबी को। तो ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, तो हो नहीं सकता है ना, अब वेलोसिटी के मामले में देखना है हमको, तो वेलोसिटी भी बहुत सिंपल है, समझेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो भी समझ में आ जाएगा, पर वही है कि दिमाग लगाए कौन, सर तो है ही दिमाग लगाने के लिए, है ना, तो ये हमारा हो गया इतना। अब देखिए अच्छा इतना हो गया ना, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर, ठीक है ना, ये तो है ना इतना। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हम लोग कर देंगे डिफ्रेंसिएशन रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा हमारा डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा हमारा क्या डी एस अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 1/r, तो ये क्या बनेगा ओमेगा, ये क्या बनेगा वी बाई आर, तो वी इज इक्वल क्या हो जाएगा आर इंटू ओमेगा। बताइए समझ में आया कुछ, कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया, चलिए ठीक मैं समझाता हूँ। आर का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई साहब इस वेलोसिटी में, किस वेलोसिटी में, लीनियर वेलोसिटी में आर आ गया है। कहेंगे क्या सर बकवास कर रहे हैं आप भी, आर बेटा यहाँ पे आया, देखो जब हम लीनियर वेलोसिटी काउंट करेंगे तो ओमेगा तो सब में सेम है, सब में सेम है ओमेगा, अगर सब में ओमेगा सेम है बट इस वाले ए पॉइंट के लिए, इस वाले ए पॉइंट के लिए अगर रेडियस है 2 मीटर तो वी ए 2 इंटू ओमेगा होगा, ठीक है, फिर वी बी मान लिया बी वाले पॉइंट के लिए 3 है, उसके लिए 4 है सी वाले के लिए, तो वी बी कितना होगा 3 ओमेगा होगा, और वी सी कितना होगा 4 ओमेगा होगा। क्योंकि सर ये है क्या, हमको समझ में ना आ रहा है कुछ भी, तो बेटा मेरे लाल इसमें क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमने मान लिया कि इसका ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, 10 रेडियन पर सेकेंड, तो वी ए कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 40। अभी भी समझ में नहीं आ रहा सर, कह रहे अभी भी सर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बता रहे हैं आप, तो बेटा इसमें ये मतलब है कि अगर इस सी वाले को घूम करके यहाँ सी पर वापस आना है तो इसे तेज चलना पड़ेगा, समझे, मतलब अगर इस रास्ते को हम फैला दें कुछ ऐसा कर दें, देखो ये सी वाला रास्ता है, ठीक है, और ये है बी वाला रास्ता, और ये है ए वाला रास्ता, ठीक है, अब बताओ पहले कौन कवर करेगा बाद में कौन कवर करेगा, तो कहेंगे सर पहले ए वाला कवर करेगा, पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि तीनों एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तीनों एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको तेज चलना पड़ेगा, मींस वी सी मैक्सिमम होगा, वी बी उससे कम होगा, पर सबसे कम कौन होगा वी ए,
क्वेश्चन का नेचर ऐसा ही होगा मेरे लाल, ठीक है ना? कुछ समझे अब? कहने का मतलब हमारा ये था। तो ये हो गया एक बेसिक सा क्वेश्चन जो आपके होश उड़ाने भर के लिए था। हमको पता है आपको मजा आ गया है, हमरे को पता है आपनों मजो आ गयो है ना? अच्छा, अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? इसके आगे हम लोग बहुत कुछ देखेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है लाल मेरे। इसको हटाते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा सा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि घड़ी की सुई, ठीक है, क्लॉक की जो निडल होती है, सेकंड और मिनट वाली के बीच में कितना एंगल बनेगा? ये क्वेश्चन बनेगा आपसे यहाँ से, ठीक है? और मस्त क्वेश्चन बनेगा जिसे आपको मजा आ जाए। अच्छा ओके, अब इसी में जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ओमेगा की बात कर ली, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर ली। एंगुलर वेलोसिटी के साथ में अब कुछ बेसिक से रिलेशन भी देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि हाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल कितनी होगी, एंगल कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा और एसेलरेशन कितना होगा एंगुलर पे, ठीक है ना? तो इसको भी एक साथ कवर अप कर लेते हैं। तो हमारे पास एक सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी इनिशियल लोकेशन इस वाले पॉइंट पर है और फाइनल यहाँ पर है बी वाले लोकेशन पे। फाइनल कहाँ पर है? बी वाले पे है, ठीक है, इनिशियल है ए वाले पे और ये है ओ। तो हमने माना कि इस ए वाले पॉइंट पर इसके पास में कुछ समथिंग वेलोसिटी है, कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी कौन सी है? ओमेगा नॉट। इस वाले पे पहुँचने पर इसके पास वेलोसिटी आ गई ओमेगा फाइनल, ठीक है, ओमेगा फाइनल या ओमेगा ओनली। ओके, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप थोड़े से डिफिनेशन फिर से समझ लीजिए, एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ उसका, कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेस होता है, उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे सर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? तो पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जितना जितना एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल सी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने माना कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। ओके, अगर हम इसको ऐसे समझे, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल बाई टी, ठीक है, टी, ओके, तो इसी को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा टी, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आपके पास दिमाग है तो हमें पता है यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, सेम सेम है ना, सेम 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 सेम। अब इतना हो गया, आप कहेंगे ओके सर आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये एंगल ड्राइव कर रहा है थीटा भाई साहब, ठीक है, तो थीटा कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पर ओमेगा इनिशियल है, ओमेगा नॉट, हाँ ओमेगा नॉट इनिशियल है, ओमेगा फाइनल है, दोनों का सम कितना हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज कितना हो जाएगा बताइए, जल्दी से बता दूँ, बताइए दी। देखिए ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा है, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू, एक सेकेंड वन सेकेंड, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा होता है ना। तो हमने मान लिया कि ए और बी लोकेशन पर जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई टू, ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ से हमने निकाला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई टू इंटू टी, तो ये हो जाएगा टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रख दो उठा करके, तो कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी। अब दो ये ऐड हो जाएगा ना।
अब ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया तो हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट टी प्लस का अल्फा टी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें कुछ हमरे को समझ में आ रही है, तो बिल्कुल समझ में हमरे को भी नहीं आ रही है, तो हम इसको इधर ले आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको हम भाग कर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे याद कर सकते हैं, यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं इनके बारे में, तो बस हम इक्वेशंस देख रहे हैं कि कौन कौन सी इक्वेशंस आपके लिए हैं, कौन कौन सी काम की हैं, कौन कौन सी काम की नहीं है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा इसके बारे में डीपली पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं। तो अब ये हो गई, एक इक्वेशन और याद रख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। वो किसकी तर्ज पर है, तो वो इसकी तर्ज पर है भाई साहब, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस आपको याद रखनी है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये इतना बेसिक सा इसका कुछ फॉर्मेशन हो गया, कुछ फॉर्मूले हो गए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। अब ये हो गया, अब इसके बाद में आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। में पढ़ लिया है, हाँ एक्सेलरेशन हो गया हमारा, हाँ ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लो, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ये हो गया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का यूनिट बता दीजिए भाई साहब कितना होता है, तो कहेंगे सर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका होता है रेडियन पर सेकंड, इसका टी और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट हो गई इसकी इतनी, ये भी याद रखनी है, और प्लस डायमेंशन भी याद रखनी है, क्वांटिटी कैसी ये भी याद रखना है। तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखी साथ में, ठीक है ना। अब एक चीज इसमें और बच रही है, वो क्या है, अब वो है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको, थोड़ा सा अच्छा लगे। उससे पहले पर हमें ये देखना होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कैसे करता है और किधर काम करता है और कैसे कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लीजिए ये जहाँ पर हमने बनाया है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इस पार्टिकल के पास में कोई वेलोसिटी है v, ठीक है। ये वेलोसिटी कौन सी है, ये लीनियर वेलोसिटी है। यहाँ पर वेलोसिटी इसके पास है वी ए, यहाँ पर है इसके पास वी बी, यहाँ पर होगी वी सी, यहाँ पर वी डी, यहाँ पर सारी वेलोसिटी अलग अलग होंगी, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है और हमने अभी चेक किया है कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिए भी, वेलोसिटी यहाँ पर चेंज होगी बट स्पीड इसकी सेम रहेगी। कहेंगे सर ये क्या हो गया, स्पीड और वेलोसिटी आर आई डोंट अंडरस्टैंड। तो बेटा देखो स्पीड में क्या होता है, स्पीड में ये होता है कि स्पीड के पास में डायरेक्शन नहीं होती। देखो यहाँ पर अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी चेंजेबल होगी और स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ओके ये भी हो गया। आप कहेंगे सर अगर ये ऐसा कुछ कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी काम कर रहा होगा, बिल्कुल काम कर रहा होगा, तो किधर काम कर रहा होगा एक्सेलरेशन, तो भैया ये इधर काम कर रहा होगा एक्सेलरेशन ए। किसके किधर काम कर रहा है, तो सेंटर की साइड में काम कर रहा है, रेडियस के अलोंग काम कर रहा है, इन साइड काम कर रहा है, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि सेंटर के थ्रू कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी भी होता है, अगर वेलोसिटी ऊपर काम कर रही है तो एसेलरेशन ऐसे काम कर रहा है, ये है वेलोसिटी ये है एसेलरेशन, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 भाई साहब है, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर यहाँ पर बता दीजिए, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर ये नीचे की ओर जा रहा है और यहाँ पर एसेलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, और ये कितना है वी सी मान लीजिए इसको, बताइए कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना। आप कहेंगे सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कहीं तो फॉर्मूला बना ही नहीं,
तो मैंने बता दिया ना आपको कि एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और पूछेंगे क्या चेंज हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंजेबल रहती है बट स्पीड सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, इतना हो गया। किस पोजीशन पर कितना एक्सेलरेशन होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो मैं इसको साफ करता हूँ पहले, फिर आगे बताता हूँ। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ठीक है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तब उसके वेलोसिटी, ठीक है, उसके प्रत्येक बिंद, ठीक है, एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एज इट इज। दूसरा यहां से ये पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, तो अंदर की तरफ होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप कहेगा सर बता दीजिए यहाँ पर जो ये एक्सेलरेशन काम कर रहा है, देखो एक ऊपर की तरफ जा रहा है ये वेक्टर, ठीक है, इसका नाम हमने दिया वी बी वी ए, और एक इधर जा रहा है, तो एक जा रहा है वेक्टर इस साइड में, इसका नाम दिया हमने वी बी। अगर हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालें तो क्या आएगा बताइए, तो आ जाएगा हमारा वी ए माइनस का वी बी रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, हालांकि दोनों की जो वैल्यू है, मीन्स जो मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल है, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट चेंज रहेगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग रहेगा, पहली बात तो ये है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन बन रहा है थीटा इज इक्वल टू, वो आ जाएगा कितना, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। देखो डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हम लोगों को उसको प्रूफ करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, और इसलिए मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ इसको। ठीक है ना, वी ए इज इक्वल वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल क्या निकाला था अभी हम लोगों ने, आर आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल कितना आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। इस फॉर्मूले को और ड्राइव कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4 पाई n² r। ठीक है, या फिर 4 पाई स्क्वायर आएगा, 4 पाई स्क्वायर r/t² इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो रेडियस क्या क्या रेडियस पर एक्सेलरेशन काम करता है, बिल्कुल भैया थ्रो काम करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी जो इसमें की चीज़ें बची हैं वो लोग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर वो भी इंक्लूड होगा तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोगों को चीज़ों को बड़ा नहीं करना है, समझना है, सीखना है और जानना है। बाकी जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी उसके लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर चीज़ें बुरी लगी हैं तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर करिए, हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।